वेलकम बैक इन माई अनदर वीडियो। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टोयोटा लेजेंडर। इस गाड़ी के बारे में क्या ही बात करना यार, ये गाड़ी भौकाल है। इस गाड़ी को लेने वाला कोई भी फीचर नहीं देखता है यार, वो बस नाम देखता है। ये गाड़ी नाम से बिकती है, फीचर कोई नहीं पूछता इस गाड़ी में। और यार इसकी फ्रंट प्रोफाइल आप देखो, कितनी ज़बरदस्त, कितनी मैसिव सी फ्रंट प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है। एंड इसमें बात करें इंजन की, तो आपको 2.8 लीटर का इंजन मिलता है जो आपको पावर प्रोड्यूस करता है 201 BHP की। टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो काफ़ी इनफ है यार, बहुत ज़्यादा पावर एंड टॉर्क की गाड़ी आपको प्रोड्यूस करती है। एंड ये रियर व्हील ड्राइव गाड़ी खड़ी है, दो ही ऑप्शन इसमें आते हैं, फोर व्हील ड्राइव एंड रियर व्हील ड्राइव। हेडलैम्प्स आपको कुछ इस तरीके के मिलते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प हैं। एंड DRLs की जो शेप है यार, वो काफ़ी यूनिक आपको देखने को मिलती है, किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगी। एंड जो फॉग लैम्प्स हैं वो आपके यहाँ प्लेस किए हुए हैं, काफ़ी छोटे हैं बट काफ़ी इफेक्टिव हैं। पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट में। एंड के यार ये आप देखो, सेंटर में आपको टोयोटा का लोगो देखने को मिल रहा है। एंड हुड पर आपको फॉर्च्यूनर की बैजिंग देखने को मिल जाती है। नीचे आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लेजेंडर का स्टिकर लगा हुआ है। स्किड प्लेट सिल्वर मिलती है। एंड ये लिप्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, पूरा आपका ब्लैक पियानो फिनिश के साथ मिल रहा है। एंड साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरीके की साइड प्रोफाइल आती है यार पूरी गाड़ी की। बात करें अगर इसके टायर साइज़ की, तो इसमें आपको R18 का टायर साइज़ देखने को मिलता है डायमंड कट अलॉय के साथ। व्हील आर्च क्लाइडिंग आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। एंड ये फेंडर पे आपको एक एयर वेंट्स भी दे रखा है, शो केस्ट है एंड एसेसरीज में लगवाया है, स्टॉक नहीं आता है। ये रेंज रोवर टाइप कुछ बना दिया है इन्होंने एसेसरीज लगा के। ORVMs बॉडी कलर्ड मिलते हैं विद LED टर्न इंडिकेटर। डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिलते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसर। दोनों साइड ही आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। एंड ये रेन वाइजर एसेसरी पार्ट लगा रखा है। टॉप पर आपको रूफ रेस देखने को मिल जाती है एंड रूफ आपको मैट फिनिश के साथ मिलती है ड्यूअल टोन में। बी पिलर भी आपका ब्लैक कलर मैट फिनिश के साथ मिलता है। एंड बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। एंड साइड ग्लाइडिंग आपको यहाँ पर एसेसरी पार्ट में इन्होंने लगाई हुई है। अब बात करें रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल कुछ इस तरीके की आती है। इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आपको देखने को मिलता है एंड टेल लैंप्स आपको LED मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर सेंटर में आपको दे रखा है। यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो एंड यहाँ पर फॉर्च्यूनर लिखा हुआ दिख जाएगा। एंड ये लिप्स आपका ऐड किया हुआ है एसेसरी पार्ट। रियर डिफोगर वाइपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप एंड शार्क फिन एंटीना, ये कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं रियर में। एंड ये स्कफ प्लेट एसेसरीज में इन्होंने लगाया हुआ है। एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर में क्या कुछ आपको देखने को मिलता है वो एक बार हम दिखा देते हैं। ये कुछ इंटीरियर आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा न्यू भी नहीं है बट ये आपको कभी ओल्ड भी फील नहीं होने वाला है। कभी भी आप इसको यूज़ करोगे आपको पुराना फील नहीं होगा, ये काफ़ी क्लासी सा है। डोर हैंडल ड्यूअल टोन डोर्स आपको देखने को मिल जाता है, रेड शा एंड ब्लैक सॉफ्ट टच यहाँ पे यूज़ किया है एंड बाकी प्लास्टिक है। एम्बिएंट लाइटिंग आपको देखने को मिल जाती है डोर्स पर। ऑल पावर विंडो के कंट्रोल्स ORVM इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। एंड यहाँ पर आपको ट्विटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे आप देखेंगे तो आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा बट ये JBL का सेटअप नहीं है, 4x4 में आपको JBL का सेटअप पूरा देखने को मिलता है। एंड ये आपकी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट मिलती है 8-way। एंड यहाँ पर आपको स्कफ प्लेट देखने को मिलती है, एसेसरीज पार्ट है, ये इनबिल्ट नहीं है, स्टॉक नहीं है। अब बात करें अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेयरिंग व्हील दिखा दूँ, तो कुछ इस तरीके का स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है। पूरा लेदर रैप है एंड टॉप पर आपको वुड फिनिश देखने को मिल जाती है। लेफ्ट में आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल, राइट में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल और ये आपको पैडल शिफ्टर भी देखने को मिल जाता है प्लस माइनस। एंड ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा एनालॉग है, सेंटर में कुछ डिजिटल है, काफ़ी क्लासी सा यहाँ पर दिया है। एंड टॉप पर आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल रहा है। तो ये आपका कुछ स्टेयरिंग व्हील है यार, काफ़ी क्लासी सा वुड फिनिश के साथ। एंड आप और देखेंगे सेंटर में 8 इंचेस का एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। एंड सेंटर में भी आपको एम्बिएंट लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है। एंड ये आप गियर नॉब देख सकते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक आती है, मैनुअल का कोई ऑप्शन नहीं आता है लेजेंडर में, आप चाहे 4x4 लो या 4x2।
एंड ये ओआरवीएम आपको ऑटो डिमिंग देखने को मिल जाता है। अब बात करें सीट्स की, तो यार ये लेदर सीट्स आपको मिलती हैं, दोनों ही वेंटिलेटेड हैं, ड्यूअल टोन में देखने को मिलती हैं, ये भी आपको काफ़ी खूबसूरत सी देखने में लग रही है, ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन। क्लब बॉक्स लॉक ऑप्शन के साथ आता है, लॉक कर सकते हैं, एंड ये कुछ इतना क्लब बॉक्स है। फर्स्ट एड किट वगैरह यहाँ पर रखी हुई है, एंड ये एडिशनल ग्लव बॉक्स सॉफ्ट टच के साथ आता है, और ये कुछ इतना बड़ा ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट काफ़ी अच्छा है देखने में। एंड सेंटर में आपको ये एक डिजिटल क्लॉक देखने को मिल जाती है, इनोवा क्रिस्टा में भी ये आती थी, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगती है यार देखने में। एंड ये हैंड रेस्ट आपको पूरा बड़ा सा एंड लेदर रैप के साथ मिलता है, काफ़ी जबरदस्त यार पर वो देखने में लगा। एंड ये कुछ आपको स्पेस देखने को मिल जाता है अंदर, एंड यहाँ कुछ और आपको कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है, ईकोस नॉर्मल स्पोर्ट ये मोड आपको देखने को मिलते हैं, ईको में माइलेज बढ़ जाती है, पावर डाउन हो जाती है, एंड नॉर्मल मोड एक नॉर्मल हम जो यूज़ करते हैं वो नॉर्मल मोड है, एंड अगर स्पोर्ट मोड आप यूज़ करते हैं तो गाड़ी की पावर यार एकदम से गाड़ी रॉकेट हो जाएगी, माइलेज थोड़ी डाउन हो जाती है, तो तीन मोड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं यार इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको पूरा वुड फिनिश देखने को मिलता है, एंड ये कवर्ड कप होल्डर है, ये भी यार काफ़ी यूनिक सा काफ़ी प्रीमियम सी फील देता है BMW ऑडी टाइप की, और ये आप इसको स्टार को इस तरीके से बंद कर सकते हैं, पूरा वुड फिनिश के साथ है, देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर कुछ आपको वायरलेस चार्जर वगैरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और ये अभी हम आ गए हैं रियर में, और रियर में आप देखें डोर्स पर तो सेम आपको ड्यूअल टोन सॉफ्ट टच आपको देखने को मिल रहा है जैसे फ्रंट डोर में था, एम्बिएंट लाइटिंग आपको देखने को मिल जाती है। एंड ये रियर सीट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, 60-40 सेपरेट का ऑप्शन है बिकॉज रियर में एक्सेस यहीं से करना है। एंड ये सेंटर में आपको हैंडरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, अनफोल्ड फोल्ड आप कर सकते हैं, दो लोग बैठते हैं तो आप इस तरीके से हैंडरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और अब चलते हैं थर्ड रो की तरफ, थर्ड रो में क्या स्पेस आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ से हम इस सीट को फोल्ड करके थर्ड रो को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये कुछ थर्ड रो का स्पेस है। एंड ये फोल्डेबल सीट्स हैं, आप इनको फोल्ड करके पूरा बूट स्पेस भी बना सकते हो, इन इमरजेंसी अगर आप कोई सामान लेके जा रहे हो आपको बूट स्पेस की ज़रूरत है तो आप इन सीट्स को फोल्ड कर सकते हो। एंड यार ये हमने इसको कर दिया है बंद, और ये कुछ स्पेस है यार थर्ड रो सेकंड रो का, सॉरी इसमें तीन एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं, ये सीट इतनी बड़ी है यार कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तीन लोगों को। और अगर बूट के लिए आपको स्पेस चाहिए तो आप थर्ड रो को फोल्ड कर दो, आपके पास बूट ही बूट है। और ये हमारी पूरी गाड़ी की यार लुक है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सी काफ़ी अच्छी सी लुक आपको देखने को मिलती है, नाम ही काफ़ी है भाई फॉर्चुनर। बाकी बात करें अगर इस गाड़ी की एक्शोरूम प्राइसिंग की, तो इसका एक्शोरूम प्राइसिंग है 43,22,000 एक्शोरूम, और अगर आप 4x4 पर जाते हो तो आपको अप्रोक्स पड़ेगा 50 लाख का। अब यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, थैंक यू।